आदाब नाजरीन, नए साल 2020 की आप सभी को पुरखलूस मुबारकबाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साल नौ की आमद की माकबले शाम को पैगाम जारी करते हुए अहले वतन और तमाम आलमी बिरादरी को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और कहा कि साल नौ आप सभी की ज़िंदगी में खुशियां और खुशहाली लाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल नौ और नई दहाई का आगाज़ लोगों को पुरअमन और रहम दिल मुआशरा बनाने के लिए पाबंद अहद होने का मौका है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये एक मजबूत और खुशहाल भारत के तई हमारी अहद बस्तगी को दोहराने का एक मौजू मौका भी है। नए साल की आमद पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नया साल नई शुरुआत का वक्त होता है, ये जिंदगी में नया हदफ मुतायन करने और नया अज़्म करने का वक्त है। शुक्रिया का इजहार करने, खुशियां मनाने और उम्मीद की नई किरण जगाने का वक्त है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हम इस साल नौ के मौके पर और ज़्यादा रहमदिल, बुर्दबार और मुफक्किर इंसान बने। आइए हम अहद करें कि हम अपनी सलाहियत को पहले एक शख्स के तौर पर और फिर मजमूई तौर पर एक कौम की शक्ल में हकीकी शक्ल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए हम अमनो अमान, मोहब्बत और भाईचारगी की बुनियाद अकदार के तई खुद को वक्फ करें और एक इंसाफ पसंद, मसावी, खुशहाल और शमूलियत पर मबनी दुनिया की तामीर के लिए मिलजुल कर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल नौ की आमद की माकबले शाम को साल 2019 के दौरान मुल्क की हुसूलियाबियों पर तैयार एक वीडियो मुश्तरक किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये वीडियो 2019 में हुई तरक्की को उजागर करता है। उम्मीद है कि साल 2020 जदीद भारत की तामीर में लोगों की काविशों को बरकरार रखेगा और 130 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को बाइख्तियार बनाएगा। तो नाज़रीन, नई उम्मीदों और नए ख्वाबों से भरे नए साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है। मुल्क और दुनिया भर के लोगों ने सर्द रात में नए साल का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। दिल्ली के दिल क्रॉन्ट प्लेस में नए साल के जश्न हल में हजारों लोग शामिल हुए और नए साल का नए अज़्म के साथ खैर मकदम किया। मुंबई में भी नया साल का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। हज़ारों लोग गेटवे ऑफ इंडिया के पास जमा होकर नए साल 2020 का उन्होंने खैर मकदम किया। नए साल के इस्तकबाल में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर रंग बिरंगी लाइट की पुरकशिश खूबसूरती देखने को मिली। चंडीगढ़ में भी नए साल के इस्तकबाल में कई मकामात पर भांगड़ा प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। लोगों ने काफ़ी जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करके नए साल का खैर मकदम किया। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में नए साल के मौके पर हजारों अकीदतमंद जमा हुए और नए साल का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नए साल 2020 का इस्तकबाल किया। भोपाल में हजारों लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी लोगों ने धूमधाम से नए साल का इस्तकबाल किया। नए साल के रंग में सभी शराबोर नजर आए। लोगों ने मौसीकी पर जमकर रक्स किया और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भी नए साल की आमद पर शानदार नज़ारा देखने को मिला। लोगों ने नए साल का इस्तकबाल इंतहाई जोश व खरोश के साथ किया। केरला के त्रिवेंद्रम में भी नए साल का इस्तकबाल जोश व खरोश के साथ किया गया। इस मौके पर रैंप वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क और बैरूनी मुल्क से कई मेहमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और साल 2019 ने यकबस्ता कर देने वाली सर्दी के साथ हमें कह दिया है अलविदा। जाते जाते ये साल सर्दी के कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ गया है। मुल्क के शुमाली और मशरकी हिस्सों में शदीद सर्दी और सर्द लहर का कहर जारी है। नए साल की आमद के मौके पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश में कई जगह कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक पहुँच गया। वादी कश्मीर में हालांकि कम से कम दर्जा हरारत में 3 डिग्री सेल्सियस की बेहतरी आई है। आसमान अब्र आलूद होने की वजह से कल दिन के दर्जा हरारत में कुछ गिरावट देखने को मिली। महकमा मौसमियात ने आज शाम हल्की बारिश होने या बर्फबारी की पेशगोई की है।
राजस्थान की बात की जाए तो रियासत में सख्त सर्दी और सर्द लहर ने आम जिंदगी को काफ़ी मुतासर किया है। कई कौमी शाहराहों पर छाए घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को मुतासर किया। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।